रायपुर से अपहरण कारोबारी प्रवीण सोमानी को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से छत्तीसगढ़ पुलिस ने सकुशल छुड़ा लिया। मुख्य सरगना पप्पू चौधरी अब भी फरार है। मामले का खुलासा करते हुए डीजीपी डीएम अवस्थी ने बताया है कि इस अपहरण में बिहार के चंदन सोनार गिरोह का हाथ था। इस गिरोह ने पूरे भारत में कई बड़े अपहरण कांड को अंजाम दिया है। इस घटना को भी सुनियोजित ढंग से अंजाम दिया गया था। बाहरी गैंग का सुराग मिलते ही पुलिस ने 10 लोगों को चुनकर 5 राज्यों में छानबीन शुरू की। रायपुर से प्रतापपुर के बीच में सभी सीसीटीवी फुटेज और लाखों कॉल डिटेल्स खंगाले गए। आरोपियों ने कई दिनों तक व्यापारी की रैकी की। सिकलतरा के पास आरोपियों ने खुद को ईडी का अधिकारी बताकर व्यापारी का अपहरण किया, फिर उसे सिलतरा कटनी इलाहाबाद ले गए। व्यापारी के परिजनों से लगभग 25 करोड़ की फिरौती मांगी और व्यापारी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। नींद के इंजेक्शन भी लगाए गए। जांच टीम में शामिल 62 सदस्यों का सम्मान किया जाएगा। जो और हैं उनकी भी तलाश और उनके नाम भी आ चुके हैं और उन सभी को गिरफ्तारी की जाएगी। अभी 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। सही गैंग को आइडेंटिफाई किया गया है। उनके सभी सदस्यों की गिरफ्तारी अभी की जाएगी। जो 2 हमारे पास और सबके नाम खोले जाएंगे। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज समाचार शिवम मिश्रा फोनलाइन पे जुड़ गए हैं। शिवम, बड़े खुलासे पुलिस ने किए हैं, कैसी सफलता मिल पाई है और इसके अलावा क्या अपडेट्स अभी और सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए कि ये करीबन आज से 13 दिन पहले की घटना थी, जो कारोबारी प्रवीण सोमानी को उसके फैक्ट्री से लेकर के घर तक के बीच रास्ते पर अपहरण कर लिया गया था एक गैंग के द्वारा। उसके बाद लगातार कोशिश जारी थी उनको पकड़ने की और एक कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के लिए बड़ी सफलता है ये, और कहीं ना कहीं इससे इस सफलता से राज्य सरकार को और प्रवीण सोमानी के घर परिजनों को भी, उनको भी एक राहत की सांस मिल रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरीके से देख सकते हैं कि राज्य सरकार के ऊपर भी सुरक्षा की दृष्टि से सवाल उठ रहे थे, उसके बावजूद प्रवीण सोमानी के घर वाले भी अपने भाई एवं घर के लोगों का इंतजार कर रहे थे और काफी लंबी मशक्कत रही पुलिस को इनकी गैंग तक पहुंचने के लिए, और काफी अच्छा प्रयास रहा। 10 लोगों का गैंग था जिसमें से 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 8 लोगों को जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है पुलिस। कल डीजीपी डीएम अवस्थी द्वारा देर रात प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले का पूरा खुलासा किया गया है और जिसमें बताया गया कि ये जो गैंग है ये काफी समय से रेकी कर रही थी कारोबारी प्रवीण सोमानी की। पिछले 3 महीने से इनकी रेकी जारी थी गैंग के द्वारा और इसके बावजूद काफी शातिर तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया। लगभग कई राज्य बदले गए, इसके बावजूद कई सारे मोबाइल नंबर बदले गए। लगातार गैंग के जो अपराधी थे उनकी भी नजर थी पुलिस की एक्टिविटी पर और इसके बावजूद कहीं ना कहीं पुलिस ने एक अच्छी सफलता प्राप्त की है इस घटना के ऊपर। और पुलिस का लगातार ये दावा हो रहा है कि जो बचे हुए 8 अपराधी हैं उन पर भी हमारी नजर है और जल्द से जल्द इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शिवम।